साइबेरियन पक्षी है। हेलो गाइज, तो आज का मेरा ब्लॉग है, हम लोग संगम जा रहे हैं और एक दिन में हम लोग पूरा संगम घूम के आएंगे। तो अभी हम लोग निकले हुए हैं, तो रास्ते में ये देखिए बच्चे यहाँ पे कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। कहाँ इसका पतंग ही नहीं दिख रहा, संक्रांति आ रहा है, पतंग भी दिख रहा है उड़ते हुए। तो यहाँ से हम लोग रास्ते में हैं, निकल चुके हैं संगम के लिए। यहाँ से थोड़ी दूरी पर है संगम हमारा और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और आप लोग जो जो आए होंगे उन्हें पता ही होगा, जो नहीं आए होंगे वो भी देखिए। और यहाँ पे माघ मेले की तैयारी चल रही है और 2024 का महाकुंभ मेला लग रहा है, जो कि 12 साल बाद लगता है। और ये माघ मेले में वही थीम दिखाया जाएगा कि ऐसा ही 2024-25 का, हाँ 2025 का मेला जो लगेगा ऐसा ही लगेगा। तो इसलिए इसकी तैयारी अभी से चल रही है, अभी से क्या काफ़ी टाइम से चल रही है, क्योंकि भाई महाकुंभ है, उसमें सैकड़ों लोग आते हैं। तो ये पूरा ग्राउंड पूरा भर जाएगा तब तक, और ये जगह, ये रोड पूरी भरी भरी लगेगी। अभी ये खाली है पर उस टाइम बिल्कुल खाली नहीं रहेगी, इतने सारे लोग, इतने सारे श्रद्धालु आएंगे उस टाइम। अभी हम लोग जा रहे हैं तो दर्शन देखिए अच्छे से हो जाएगा। फिर भी अभी माघ मेला शुरू है तो अभी से यहाँ पर भीड़ दिखना शुरू हो गया है। और माघ मेले में भी नहान 15 से है, तो पहले नहान से भीड़ शुरू हो जाएगी। तो हमने सोचा हम पहले ही जाके दर्शन कर रहे हैं, उस टाइम हमें दर्शन करने को मिले या ना मिले हम घूम पाएंगे भी नहीं, और यहाँ आए घूमे नहीं तो फिर कोई मतलब भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें ऑटो वाले भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट खुला हुआ है बहुत जल्दी, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने उनका उद्घाटन किया था। तो जो हम अभी गए नहीं है, तो इनसे हम पूछ रहे थे कि यहाँ से लगा हुआ है या वो एक और घाट है सरस्वती घाट, तो वहाँ पे बना हुआ है। तो फिर इन्होंने हमें क्लियर किया कि ये वहाँ पे बना हुआ है जो यहाँ से दूरी पे है, तो हमें अगर वहाँ जाना होगा तो हमें सरस्वती घाट पे जाना पड़ेगा। तो बस सारा टेंट उन लग तो गया है जी, मेला लग गया पूरा। देखिए पूरा ये तो लगता है माघ वाला की पूरा 25 वाला ही लगना शुरू हो गया है। अच्छा देखा जाएगा कि कैसा लगेगा, उसका पहले से प्लानिंग हो रहा है। अच्छा हाँ सब, अच्छा पिंटू या तो आए थे, हाँ नहाए भी थे वो भी, जैसे वो योगी जी भी नहाए थे ना, योगी तो आप लोग देखिए यहाँ पे कितने सारे भीड़ लगे हुए हैं, सब लोग आ रहे हैं। और आज ठंडी भी थोड़ा कम है क्योंकि आज धूप निकला हुआ था। तो ये देखिए सारा यहाँ पे बन चुका है, टेंट वगैरह भी लग रहा है, लग चुका है सारा, क्योंकि माघ मेला स्टार्ट हो गया है। 15 को पहला नहान है, तो सब लोग देखिए कितने दूर दूर से, साउथ वाले भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, बोटिंग करने वाले हैं, आप लोग भीड़ देख सकते हैं। ये माघ मेला लगने वाला है तो इसी वजह से सारी भीड़ लगी हुई है। तो 15 से पहला नहान शुरू है, चलो आ जाओ नाव, नाव देखते हैं कैसे लेंगे। अरे पहले बता तो दीजिए कितना लेंगे, कितना देर लगा यहाँ से, रहने दीजिए अब वो नहीं जाएंगे। तो हम लोग नाव पे बैठने वाले, देखते हैं पर पर्सन कितनी सवारी है इनकी, फिर बैठा जाए, क्योंकि यहाँ पे ये लोग समझ रहे हम बाहरी हैं तो फिर पैसा थोड़ा ज़्यादा ही बोलेंगे। अनायक सिम भी पकड़ लो हाथ, चलेंगे नाव से? नहीं भैया बस यही घूमेंगे किनारे पे ही, सारा नाव लगा हुआ वो बोटिंग,
ये वो अच्छा वो बोट ही होते पुलिस वाले सहायता के लिए लगे हुए हैं यहाँ चेटा डिब्बे। ये पाना ले लो एक बॉटल जल ले लेंगे, छोटा वाला ले लो 10 का मिलेगा। सामान भी बहुत महंगा यहाँ पे मिल रहा है, ए ना आ जाओ बेटा, बॉटल भी बहुत महंगा दे रहे हैं। तो हमने सोचे आए तो जल भरते हुए जाए। ये देखिए ये जो है पक्षी आ गई हैं, ये हर साल ठंडी में यहाँ पे आते हैं ये लोग, फिर गर्मी होते यहाँ से चले जाते हैं अपने देश। ये अपने इंडिया के पक्षी नहीं है। हाँ ठीक है ले लो, यहाँ 20 का बॉटल। अनाया अनाया ये बुआ को पैसे दे के आ जाओ, वहाँ है बुआ, जाओ बॉटल ले रही है ना वहाँ पे सामने देखो डिब्बे की दुकान पे, जा दे क्या दौड़ जाओ पास पास ही देखिए। हम लोग गंगा जल भरने के लिए बॉटल खरीद रहे हैं और इन भैया से हम लोग पूछ रहे हैं कि बॉटल कितने का देंगे, और यहाँ ऑरेंज और वाइट दोनों बॉटल मिल रहे हैं। तो ऑरेंज वाला बॉटल देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर हमने वाइट वाला बॉटल लिया क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा था और जल हमें भर के ले जाना था घर के लिए। और यहाँ मेरी अनाया पर्स की मालकिन बनी हुई है तो वही हर जगह पैसे निकाल के दे रही हैं। फिर यहाँ पे वो जो अंदर पक्षी आते साइबेरियन पक्षी, साइबेरियन पक्षी को खिलाने के लिए यहाँ पे दाना भी हम लोगों ने खरीद दिया, क्योंकि जब नाव में बैठी है तो वो लोग खाने के लिए आते हैं, जब आप कुछ उनके लिए दाना डालिए तो वो एकदम आपके नाव के आसपास ही रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ से दाना खरीदा, बॉटल लगे हुए हैं। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखते नाव की सवारी करने के लिए कौन नाव वाले भैया जाते हैं बजट के हिसाब से। आओ ना आगे आ जाओ, क्योंकि मेले में ये लोग लूटते बहुत हैं। कितना ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं जी? 250। तो ये अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे नाव वाले भैया लगे हुए हैं और सब अपने टाइमिंग के हिसाब से जाते हैं, क्योंकि सबकी टाइमिंग होती है, जिनके नाव पहले लगी होती है जाने के लिए वही जाएंगे, बाकी दूसरे नाव पे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग वो नाव ढूंढ रहे हैं जिनकी नाव लगी हुई है संगम में अंदर जाने के लिए, तो हम उसी नाव पे ही बैठेंगे ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, हमें वेट ना करना पड़े। यहाँ पे नाव वाले जल्दी जा ही नहीं रहे क्योंकि उन्हें पूरा नाव भर के ही जाना है, तो हम लोग भी उन लोग के साथ वेट कर रहे हैं कि कब वो जाएं हम भी संगम में जाएं। कब हम चीत गए तो पहले हम लोग पहुंच गए, अब बोटिंग करने जा रहे हैं। आपको दी हम हमको दी चलिए आइए चलाएंगे भैया, अभी बैठने दीजिए, अब आगे नहीं मिलेगा ना। ले ले अरे किसी बैठ वो जगह कहां है उसकी, इसी चाल पे लोग आरक्षण से आते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे नाव पे फाइनली एक नाव ना पैसा बोलिएगा नहीं। ओ देखो एक तो उधर एक तो इधर है वही। हम लोग बैठ गए यहाँ पे नाव पे, देखो जी देखो जी नाव पे बैठ गए हम लोग, देखो देखो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, मैं आगा फिश, मैं नाव पे बैठ गई हूँ। इसकी भाषा नहीं समझ में आएगी गाइस, जो भी समझ में आए देख लीजिएगा। ये आरू भी बैठा है, बाबू हाय बोल दो। हाय इसका भाषा समझ नहीं आएगा, आप लगी तभी समझिएगा। कह रही है कि मैं हूँ पानी में नाव पे बैठी हूँ और संगम में जा रही हूँ, चिड़िया को दाना खिलाने जा रही है। कुछ लोग और भी लोग आ रहे हैं नाव पे बैठने के लिए, तो ये पूरा नाव भरेगा जितने लोग की सवारी पैसेंजर होते हैं लेके ही जाएंगे। बार जा रहे हैं नाव में, पहली बार बैठ रहे हैं जी नाव में, ये इसकी फर्स्ट वोटिंग है, वोटिंग पहली बार करें। नाव यहाँ से निकलने वाली है, संगम तट पर जाने वाली है, अभी वहाँ पहुँचने में 5 मिनट टाइम लगेगा। आपको कैसा लग रहा है पहली बार संगम आके? बहुत डर लग रहा है, बहुत इनको डर लग रहा है, जबकि उन्होंने लाइफ जैकेट पहना हुआ है। फिर भी क्यों, आप अभी वहाँ गई नहीं थी क्या? गंगा जी तो आपके पास ही है घर से, नहीं वहाँ अपने गांव तो ना तो बैठी होगी ना। गंगा यमुना सरस्वती तीनों जी हैं यहाँ पे, इनका पहली बार। आपको कैसा लग रहा है नया? अच्छा लग गया तुमको पानी? पानी में अच्छा लग रहा है।
बहुत अच्छा लग रहा है ना। और तुमको कैसा लग रहा है? पहला वोटिंग है। तुमको कैसा लग रहा है? नाव में कैसा लग रहा है तुमको? बिट्टू, ए बिट्टू, नाव में कैसा लग रहा है आपको? साइबेरियन पक्षी भी आ चुके हैं जो हर साल ठंडी में यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ से यहाँ पे यमुना जी हैं और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों हैं। यमुना जी का पानी काला होता है, मतलब हरा पानी यहाँ का क्लियर नहीं दिखता, बस गंगा यमुना दिखती है, संगम वो सरस्वती। यहाँ पे सरस्वती जी विलुप्त हैं। गंगा मैया की जय, यार कैसे बोल रही हो? अभी नहीं भैया तो नया नया पैसे भी लिए होंगे। 15 से 12 महीने नहीं आई, वही चलान तुमरो काट दिया, हमरो चलान। जान से बढ़ के फोटो नहीं है। लो भाई यो देखो, आप अहीं ले आओ, पहले पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं। तो आप पे लोगे ये रंग दिया फोटो में, अभी नहीं गिरा।
हट स्पेस नहीं मेरे मित्र ब्लॉगिंग करेगी तुमको स्नैपचैट बनाया है चिड़िया आ रही क्या देखो हम तो चिड़िया उड़ा रहे हैं देखो जूता चप्पल खोल लो भैया तीन नारियल तांग दक्षिणा जो खुशी प्रेम बने अपने घर परिवार सुख शांति के लिए यहाँ मैया का श्रृंगार चलता है आ रहे ना अभी जा रहे हैं ये गंगा यमुना सरस्वती तीनों जगह हम लोग पहुँचने वाले हैं लगभग पहुँच चुके हैं यहाँ पे नारियल चढ़ता गंगा मैया को फूल फल चढ़ाया जाता है तभी आप गंगा मैया में त्रिवेणी संगम है यहीं पे सब लोग रुके यहीं पे सब लोग स्नान करते हैं है ना वैसे नहीं बैठो बैठो ऐसे बैठो ये टूट जाएगा बेटा यहाँ पे सब लोग देखिए आके नहा रहे हैं नहीं बेटा हाथ नहीं धोना नहीं जाना ना घर इधर आओ इधर आओ श्री गंगा श्री यमुना सरस्वती मामा रानी ये जन्म में जन्म जन्म में जो अपराध हो गया क्षमा करना प्रयागराज में गंगा पूजन यमुना पूजन सरस्वती पूजन तीनों माता का तीन नारियल का नाम बोलो बेटा पति का नाम बोलो बेटी बेटा है एक बेटा है उसी में दिया होगा ना वो जला दीजिए एक फूल वाला रहने दीजिएगा कुछ चाह देंगे अरे जाइए उतर के आइए बिटिया जल्दी करिए आप ही उतर लो चलो बिटिया जल्दी से बिटिया अरे महेंद्र भाई खास लेकिन हमका तो ट्रांसफर ना कर सकता ना अपने आप ट्रांसफर करने वाला गुरु काम नहीं जो हिसाब से चला दिया नहीं चला आज कहता हूँ जो हिसाब दे देगा बाद में लिखो दे तो दे नहीं सकते मालूम जाओ नहीं साहब बैठ जाओ जब गलत नहीं करना तो करना कुछ जल्दी करिए अरे जल्दी करो भाई ये जल हो गया आई लाला गणेश साई ने हम ऊपर धान पूरा पूजा बना के इतना आए गड्डी ले अगले अंदर अंदर जल्दी करो ना अंदर देख लो मरियम का डिजाइन का है मरियम का ही तो अरे आइए चप्पल भर ले पूरा भर ले रखो की काम को ये बताओ तो अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं गाइस यहाँ से हम लोग की पूजा हो चुकी है अनाया साड़ी कब छूट गई पूजा गई सारे खिला दी किसी काम का नहीं है ना गाइस जब हम लोग पहुंच गए हैं एक लाख
तब हम लोग नहा के नहाए नहीं गए सॉरी पहुँच गए क्योंकि हम लोग घर से हम घूम के अब जा रहे हैं यहाँ से एक और मंदिर वहाँ पे दर्शन करेंगे। चलो ना तो यहाँ पे एक अक्षय वाट मंदिर है हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। अब शाम होने लगा है, अब लाइट भी देखिए यहाँ पे जलेगा और लाइट जब जलता है संगम पे तो और भी खूबसूरत लगता है। सर टूरिस्ट बस आए हुए हैं, इतने सारे लोग यहाँ पे घूमने आए हुए हैं दूर दूर से। ठीक बाबा जी, ठीक बाबा जी, जय जय जय।